हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा नेहा कुकिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे चावल के आटे से खोया वाला पिट्ठा। खोया वाला पिट्ठा बनाने के लिए हमने पहले ये चावल का आटा लिया है हाफ के जी, इसे अभी हम साइड में रखेंगे, अभी इसका कोई काम नहीं है। और ये हमने ले लिया है 150 से 200 ग्राम ये खोया है। और ये हमने 25 ग्राम के आसपास बादाम को भून कर इसे हमने चूर लिया है, हल्का दरदरा हमने चूर लिया है। ये हमने 100 ग्राम चीनी ले लिया है। और ये हमने 25 ग्राम से भी कम हमने ये उजला वाला तिल लिया है, इसे भी हमने रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट किया है इसे भी। और ये हमने नारियल का बुरादा लिया था, इसे भी हमने थोड़ा सा भून लिया है। अब चलते हैं पैन की तरफ। ये हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, इसमें हम डालेंगे खोया, स्लो गैस पे ही बनाएंगे। इसे हम डाल दिए हैं और इसमें हम चीनी भी डाल देंगे और दोनों को मिक्स कर लेते हैं इसे मेल्ट होने तक। ये मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद हम और सब सामग्री डालेंगे। ये चीनी हमारा मेल्ट हो गया है, इसे थोड़ा देर तक इसी तरह से और पका लेंगे। अभी थोड़ा पिघला हुआ है ना ये चीनी का जो पानी है, वो टानेगा तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और थोड़ा हार्ड होगा। इसे हम अभी थोड़ा देर और पका लेते हैं। इतना हमने पका लिया है, अब इसमें हम डालेंगे नारियल का बुरादा, इसे भी डालकर हम मिक्स कर लेंगे। ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है इसमें नारियल का बुरादा डालने से। और इसमें हम डालेंगे ये बादाम जो हमने कूट कर रखा था, और ये हमने तिल ले लिया है वो भी डाल लेंगे। ये देखिए हमारा पानी जो था वो ज़्यादातर करके नारियल जो है वो टान लिया है। अब इसे 1 मिनट तक और भूनेंगे इसे डालने के बाद, उसके बाद इसे हम बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद इसे हम ठंडा होने देंगे। अगर आपको जल्दी नहीं बनाना है तो बाहर ही ठंडा होने दें, अगर आपको जल्दी बनाना है तो इसे फ्रिज में डाल कर ठंडा कर ले थोड़ा सा, तो ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा तो भरने में आसानी होगा फिलिंग को। ये हमारा नारियल का जो मिश्रण वाला खोया है ये हमारा भुन गया है। अब इसे हम बंद कर लेते हैं गैस को और इसे ठंडा थोड़ा होने देते हैं। उतना देर में हम इसका आटा लगा लेंगे। इसका फिलिंग तो बन गया, अब इसे हम आटा लगा लेते हैं। आटा लगाने के लिए हमने ये पानी को गर्म कर लिया है और इसे हम एक चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा डाल के इसका आटा लगा लेंगे इस तरह से। अभी थोड़ा पानी गर्म है इसलिए हाथ से नहीं लगा सकते, थोड़ा सा मिला लेते हैं फिर हाथ से लगाएंगे। इस तरह से हम इसका आटा लगाकर तैयार करते हैं। गीला नहीं लगाना है, ज़्यादा गीला नहीं करना है, ना ही ज़्यादा हार्ड रखना है। हार्ड रखेंगे तो ये हम इसमें फिलिंग नहीं भर पाएंगे अच्छे से। अब इसमें हम पानी डाल के थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, आटा लगाकर फिर मिलते हैं। ये हमारा आटा लग गया है, अब इसे जल्दी जल्दी से लोई बना बना कर इसमें हम फिलिंग भर लेंगे। तब तक हम उधर पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिए हैं, पानी भी गर्म हो जाएगा और इधर हम ये पिट्ठा भी भर लेंगे। इस तरह से इसको हम छोटा छोटा सा बनाएंगे, सुंदर सुंदर लगता है देखने में छोटा छोटा वाला। इस तरह से करके इसमें हमें जितना फिलिंग लेना है, ज़्यादा लेंगे तो फिर ये फट जाएगा, इसलिए इसके हिसाब से लेंगे। जितना बड़ा पिट्ठा है उसके हिसाब से हम इसमें फिलिंग भर लेंगे। ये बहुत आसानी से भरा जाता है और इसे इस तरह से भरकर तैयार कर लेते हैं। अगर हमारा रेसिपी आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारा न्यू रेसिपी आपको मिल सके। और एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके तरफ ये बनता है या नहीं बनता है। हम लोग की तरफ ना ये जब हिंदी का जो महीना होता है पूस, इस मंथ में बहुत ज़्यादा सबके घर में, बिहार में सबके घर में बनता है। देखिए इस तरह से हम दूसरे पिट्ठे को भी बना लिए, बहुत जल्दी भरा जाता है। देखिए बनकर तैयार हो गया।
इसे हम इसी तरह से सारा पिठा को भर कर तैयार कर लेते हैं। ये हमने इतना भर लिया है, इतना भी बाकी है, थोड़ा जो उधर हो गया है उधर देखते हैं। ये पानी हमारा उबल गया है। हम ये गुड़ वाला पिठा बनाए थे तो डायरेक्ट पानी में बनाए थे, उसका लिंक भी हम ये स्क्रीन पे दे देंगे। इस पे हम एक जाली रख देंगे। इस तरह से बनाने से एक भी पिठा हमारा फटेगा नहीं इस जाली पे। अगर आपके पास ये है इडली स्टैंड तो उस पे भी आप बना सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो हम इस तरह से इसे बना लेंगे। इस तरह से सारा पिठा इस पे हम रख लेते हैं। इस तरह से हमने इसे रख दिया है और इसे हम 5 से 10 मिनट तक एक तरफ ढककर इसे हम पका लेंगे, फिर पलट देंगे। ये देखिए हमारा पिठा को 5 मिनट हो गया है। इसे अब हम पलट लेते हैं एक तरफ, दूसरे तरफ से फिर पका लेंगे। इसी तरफ से पलट के पका लेते हैं। इसे हमने पलट लिया है, अब इसे फिर से हम ढक कर 5 मिनट और पका लेंगे। ये देखिए हमारा पिट्ठा बनकर रेडी हो गया है। इसे अब हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से इसे हम निकाल लेते हैं और दूसरा बैच भी हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए हमने सारा पिट्ठा बनाकर निकाल लिया है। इस तरह से आप बनाइएगा तो एक भी पिट्ठा जो है ये फटेगा नहीं और ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। ये देखिए कितना अच्छा है। इसे आप तोड़िए, देखिए अंदर में ये खोया भरा हुआ है। इसे इस तरह से आप बनाइएगा तो देखिए एक भी पिठा हमारा फटा नहीं है। ऐसे पानी में कोई कोई होता है जो कि अच्छा से भराता नहीं है और वो फट जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं एक कल नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारा न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय बाय, टेक केयर।